नमस्कार, मैं हूं रोशन झामोदी और आप देख रहे हैं रोशन झामोदी यूट्यूब चैनल। मैं यहां पे उपस्थित हूं राम जानकी के मंदिर में और आज हम एक पड़ताल में राम जानकी मंदिर में आए हैं। यहां पे जैसे सुना गया है कि माता जानकी यहां पे रात को कभी कभी अपने भक्तों को दर्शन देती है। तो जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं कि माता जानकी का ये स्थल, माता जानकी का ये मंदिर अभी फ़िलहाल में बंद हो चुका है और अभी पूरा ये ग्राउंड धीरे धीरे यहाँ पे सभी लोग खाली होते जा रहे हैं और यहाँ पे सन्नाटों का एक माहौल बनता जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि माता जानकी का आप मंदिर देखिए। इस मंदिर में जहाँ तक कि आप देख पा रहे हैं कि माता जानकी का जो ये स्थल है, ये स्थल और इनके दरवाजे अभी बंद हो गए हैं और लोगों के पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे माता जानकी रात को आती है और अपने भक्तों को दर्शन देती है। तो इसकी पड़ताल करने के लिए हमारी टीम यहाँ तक पहुँची। सिर्फ एक ही YouTube चैनल रोशन झा मोदी YouTube चैनल की टीम, रोशन झा मोदी YouTube चैनल की टीम माता जानकी की स्थल पे आई और यहाँ पे इस स्थल का मुआयना कर रही है, जांच कर रही है। तो हम लोग देख रहे हैं और आप लोग भी देख पा रहे हैं और हम लोग इसका मुआयना कर रहे हैं रात में। तो ठीक है, आप लोग हमारे YouTube के साथ बने रहिए, जमे रहिए। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को रोशन झा मोदी YouTube चैनल। और मैं आपको ये भी बातें बताऊंगा कि माता जानकी रात को कैसे आती है यहाँ पे और अपने भक्तों को कैसे दर्शन देती है। मैं आपको इससे अगले अपने एपिसोड में मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा, आपको दिखाऊँगा माता जानकी के कुछ रहस्यमय सबूत इस जानकी स्थल में। तो आप लोग बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। अगला एपिसोड देखना मत भूलिए, ये बहुत अनसुलझा रहस्य है। हमारी टीम जनकपुर पहुंच चुकी है।